बांग्लादेश जब आजाद हुआ था आपका शादी हुआ। राजकुमार नाथ अरे वाला रो बेटी भेज ले बड़ी छोट 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 है पानी में छोट लोग अत्यंबा के सिखाव छी सिरे बहु है अपना चूड़ा खाइए और रसगुल्ला तो सबको खाइए। कौन नदी है? बागमती। स्वागत है आपके चैनल इसके सफर में। इसके सफर में हम जा रहे हैं अपने मामा के गांव, मतलब मेरी मम्मी का नैहर। तो बने रहिए ब्लॉग में, बहुत ही मजा आने वाला है। मेरे नाना जी आए हैं तो उनके साथ मैं निकल रहा हूँ। अचानक से प्लान बन गया। मामा के घर जाने का ख्वाब मेरा जाता टूट, अगर पापा जी बाइक से स्टेशन पे नहीं पहुँचाते तो ट्रेन जाता छूट। कि एक्चुअली ट्रेन नहीं छूटता, हम छूट जाते हैं। नाना जी टिकट ले रहे हैं क्योंकि अगर कोई टिकट नहीं लेगा तो रक्सौल में पकड़ा जाते हैं। तो फाइनली अब हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे। ट्रेन यहाँ पे खड़ी है जो बहुत बड़ी है। फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन खुल गई है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे मामा का घर, मतलब नानी गांव बरगिनिया के पास एक गांव पड़ता है बेल, वहाँ पे है। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ अपने नाना जी के साथ में। ट्रेन चल दी है तो हम सीधे उतरेंगे यहाँ से बरगिनिया। तो बरगिनिया को करते हैं हाय हाय और रामगढ़वा से अब निकल गई है तो रामगढ़वा करते हैं बाय बाय। कि आसमान में होते हैं तारा, ट्रेन भर गई है सारा का सारा। और ये है ट्रेन का कुछ नज़ारा। कि ये रहा हमारा हाई स्कूल जहाँ से हमने पढ़ा है और इसका प्लेग्राउंड बहुत बड़ा है। कि बचपन में मैं मामा के घर जब भी जाता था पापा जी से खरीदवा के ट्रेन में जीरा वा जवाइन वाला या खट्टा मीठा वाला चॉकलेट और लेमन चूस जो नारंगी वाला आता है वो खाता था। कि हमारा बचपन इसी चॉकलेट के साथ जुड़ा है। और मेरा फेवरेट नाश्ता दही चूड़ा है। कि दही चूड़ा मेरा फेवरेट है ये बता रहा हूँ और अभी रेलवे स्टेशन दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग आ गए हैं रक्सौल और यहाँ से निकलेंगे बरगिनिया के लिए। कि बिहार में बंद है पर नेपाल में मिल रहा है वाइन। अभी यहाँ पे जो बड़ी है पहले थी छोटी लाइन। ध्यान से सुनिए कि जो नहीं कर पाता है कोई कर वो करता है आपका चैनल इसके सफर। कि बोर नहीं होइएगा आप मेरी किसी भी बात से। कुछ लोग जुड़े हुए हैं सफर की शुरुआत से और ब्लॉग बनता है यहाँ पे शायरियों की बरसात से। बांग्लादेश जब आजाद हुआ था आपका शादी हुआ। ये जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ उस टाइम मैं चुपके से वीडियो बना रहा हूँ। मौसी बोल रही थी कि तू आ फिर मैं मछली बनाती हूँ और मैं नाना नानी का सबसे बड़ा नाती हूँ। 50 साल से खैनी खा रहे हैं ना। अब हो जाएगा फिर कौन ट्रेन आ गया उधर से आई अब एक घंटे के बाद खुलेगा। इसका टाइम हो गया अब खुलेगा। 22 हो गया कारे बेहुदा चुपके से वीडियो बना रहा है। अरे नाना जी जान जाएंगे ना तो कर देंगे कमाल और ऐठ के तुम्हारा कान कर देंगे लाल। घूमना फिरना सफर करना जीवन के लिए अच्छा होता है। घूमना फिरना सफर करना जीवन के लिए अच्छा होता है। नाती भले कितना भी बड़ा हो जाए पर नाना नानी के लिए हमेशा बच्चा होता है। कि ट्रेन की सफर की तरह जिंदगी भी एक सफर है। इस सफर में सफर करने वाले बहुत आते हैं। कि जिंदगी के सफर में सफर करने वाले बहुत सारे आते हैं। इन्हीं के सबक से हम सीख कर जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। हम लोग की तरफ चलता है मेमो। मेमो जो इलेक्ट्रिक से चलता है इसका फुल फॉर्म है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। और हम जिस ट्रेन में बैठे हैं ये डेमो है जो डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है। यो बंद कर देगा है। बिहार में बच्ची को लोग कहता है बबुनिया और अभी हम कूद फान के मतलब भीड़ पार करके उतर गए हैं फाइनली रेलवे स्टेशन बरगिनिया। कि नाना नानी का प्यार बच्चों को अपनी तरफ खींचे और मैं अभी चल रहा हूँ नाना जी के पीछे पीछे।
कि नाना जी का यहीं पे क्लिनिक है तो ये यहाँ रह जाएंगे और बाकी हम जो बचे तो हम यहाँ से टेम्पू से घर जाएंगे। जोड़ को बोलते हैं इंग्लिश में सम, कि जोड़ को बोलते हैं इंग्लिश में सम, ट्रेन हो गया था अभी भैकम। बात बात पे लोग कर देते हैं भैकम अपने शौक से और डर नहीं लगता इन्हें पुलिस के डंडे के खौफ से। ये चढ़ रहे हैं, अरे आराम से चढ़ो मर्दे, आराम से। भैकम करके लोग यहाँ पे चढ़ चुके हैं और आगे ये लोग अब सफर में बढ़ चुके हैं। कितना देर में भर जाएगी? बैठे बैठे आ रहा है मन में विचार और हम क्या करें, हम तो हैं बेबस, करना पड़ेगा हमें सवारी का इंतजार। सवारी चढ़ेगा तो ही टेम्पू आगे बढ़ेगा। कुछ लोग सफर में चल देते हैं और कुछ लोग ख्वाब बुनते हैं। आइए थोड़ा टेम्पू वालों का बात सुनते हैं। वो भी तो चेहरा पढ़ लेता है लोग, ये कौन कितना पहुँच जाएगा। अब ये रहा ये उठा के जाए के ले किने गया ये बताएंगे वो दुकान में ना कह लिया मटवा से ये निकलती तो वापस कभी बनाओ तो पंडित जी रंजीतपुर चले गए, रंजीतपुर से सीतामढ़ी चले गए। अंकल जो तो भाड़ा कितना दे तो मुझसे ना कीजिए बोले इधर तो अच्छा तू कितना ले वो अंकल 1200 रुपया ले वो उससे कम में ना जाऊ मंजूर होता ही चले थी अंदर से तो उतना कमा ले वो भर दिन में हम कहली कमाए चाहे ना कमाए वो बात दोसर हाथी बांधल है तो एक न देखो सही बैठल है जाए रातों में दूर पर खड़ा रह जाए तो कोनो इमरजेंसी आए तो बस उतने में काम हो जाए। बैठे बैठे क्या करें, पी लेते हैं थोड़ा सा स्टिंग और बॉलिंग फेंकते हैं तो होता है बॉल स्विंग। कि गर्मी के दिनों में पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक लगता है कूल कूल, कि गर्मी के दिनों में पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक लग रहा है कूल कूल, गैस निकाल देता है कोल्ड ड्रिंक, ये है आपकी भूख। भैया कोल्ड ड्रिंक पीने से गैस नहीं निकलता। गौर से देखिए इन शख्स को, यही शख्स है जो 5 रुपए के कारण टेम्पू में नहीं बैठे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, गाँव में लोग ऐसे ही पैसे बचाते हैं और कितने कम पैसे में गाँव में लोग जी लेते हैं ये सभी को दिखाते। मुझे फिर से नहाना पड़ेगा आज शैम्पू से, क्योंकि सफर कर रहा हूँ मैं टेम्पू से। काल बजे चार ठीक बनी ओ जा सॉरी, बिहार में लोग बोलते हैं शर्ट को जामा और यहाँ पे मेरा कोई नहीं लगेगा चाचा, सब लगेंगे या तो नाना या फिर मामा। देख लीजिए गाइज, यही है गोराहा जो गाय के और भैंस के गोबर से बनता है और लोग यहाँ पे जलाने में मतलब खाना बनाने में यूज करते हैं। हवा को चीरते फाड़ते टेम्पू से हम कूदते कूदते पहुँच गए हैं मामा के घर बेल। ये है बेल गाँव और यहाँ से हम उतरेंगे और सीधे पैदल अभी हम जा रहे हैं मामा के घर पे। हम पहुँच गए हैं फाइनली। हाय रो, राजकुमार नाथी आरो वाला रो बेटी भेज ले बड़ी। पहले बोले पैसा दे के देखा जाना। गहना देती कोनो? कौन गहना देम नानी? कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जब जब आता हूँ टेम्पू से मैं ना आता हूँ शैम्पू से। हम नहा लिए फाइनली शैम्पू से। कि जब जब आता हूँ टेम्पू से मैं ना आता हूँ शैम्पू से। मामी कैसा लागल रहुआ? ठीक बाड़ी, अच्छा बाड़ी। पैसा तो खूब हमारा लग रहा। पैसा से नानू होला बड़ा खर्च पैसा हो गया। खर्चा हो गया तेरा अपना पुतो है मैंने खर्चा कर। मेरे बड़े वाले मामा का शादी हुआ है तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे कि बचपन में हम जो भी नाना को बतलाते थे नाना वो सामान खाने वाला घर पे लाते थे, नाना लाते थे और हम खाते थे मस्त। अभी नाना कोल्ड ड्रिंक लाए हैं तो हम लोग दोनों मिलके कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और मस्त से जी रहे हैं। आइए दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, आइए आइए। पहले मेरे घर पे भी था ये, तो बताइए कमेंट में ये क्या चीज है वरना मैं बताऊंगा। बिग रेट देखी रहा देखी देख ले तू देख ले हमरा की कह खाए तो तोरा ना
डिग्रेड मत, छोटा छोटा है, नहीं रो खाएंगे। एक मूवी में मैंने देखा था, बोल रहा था कि मार देंगे कट्टा कपार पे, और अभी हम आ गए नाना जी के द्वार पे। और ये है गाय का बछड़ा जो बहुत प्यारा है, और देख लीजिए क्या ये मिल रहा है। हम बछड़े के साथ खेल रहे हैं तो गाय ऐसे गुस्सा कर रहा हूँ। शांत शांत, चलो नहीं छू रहे हैं। कि ठंड के दिनों में नदियाँ नाला सूखे होते हैं और जानवर लोग प्यार के कितने भूखे होते हैं। देखिए कितने प्यार से चाट रहा था ये बछड़ा। हमरा के नहीं के चिन्ह हाथ चिन्ह तो मारे नहीं के को न चिन्ह से खाले एना ना करे छे। हम लोग गांव घूम रहे हैं, गांव गांव। हाय कर हाय। हाय। गांव में कहीं कुआ को बोलते हैं इनार, और गांव में एक दूसरे से सब लोग करते हैं प्यार। देखिए यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, किसी का ढलाई वगैरह हो रहा होगा, कुछ भी ढल रहा होगा। और ये गांव का पगडंडी है जहाँ पे बहुत ही लोगों की मंदी है। गांव में आजकल कहाँ कोई रहते हैं, सब रहते हैं बाहर। कि चंद्रमा को बोलते हैं इंग्लिश में मून, भाई कहीं नहीं मिलेगा जो गाँव में रहने का है सुकून। गांव से लोग दूर दूर जाते हैं शहर में कमाने के लिए। कि गांव से लोग दूर दूर जाते हैं शहर में कमाने के लिए, गांव वालों को जाना जाता है सुकून से जिंदगी बिताने के लिए। भैया जो गांव में सुकून है वो कहीं नहीं है। कि गांव के सुकून भरी समंदर में मैं भी एक लोटा पानी भर रहा हूँ, और मैं अपने मौसी के लड़के के साथ मैं अपने नाना के गाँव मतलब मेरे मामा के गाँव का सफर कर रहा हूँ। ये कुछ नज़ारा है गाँव का जो है यहाँ पे सुकून भरी छाँव का। यह है, ये जर्सी गाय है शायद, और ये इसमें कबूतर पलते हैं, और यहाँ पे मस्त नज़ारा देखने को मिलते हैं। एको देना बगो। एको देना। एको देना एको। भले ही हमने घर पे कोल्ड ड्रिंक पिया है, पर गांव के अमरूद का जो स्वाद है वो नहीं मिला। कोई बात नहीं, बेचारे के पास एक ही था इसलिए उसने नहीं दिया है। ना दे लखो सत्यम। बगीचे को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं बचपन में मामा के साथ खेलने आता था, इसलिए मैं इस जगह को पहचानता हूँ। इस पे बचपन में हम लोग हम और मामा क्रिकेट खेलने आते थे। मैं छोटा था तो इधर ही मामा के साथ आता था खेलने के लिए। ये है मेरा मासी का लड़का मतलब मौसी का लड़का। क्या नाम है बाबू? सत्यम झा। यह है मेरे मामा का गांव मतलब मेरा मम्मी का नई घर। इधर भी रास्ता है, देखो मेन चौक। ये बांध है क्योंकि बगल में ही एक बहुत बड़ी नदी बहती है, उस नदी का नाम बागमती है, और इसी से बचने के लिए यहाँ पे बांध बनाया गया है और लोगों को यहाँ पे बचाया गया है। बांध नहीं वो नदी है इधर ही। कौन नदी है? बागमती। यही मंदिर में हम लोग आते थे बचपन में, जब हम लोग छोटे थे तो मामा हमें इधर ही लेके आते थे घुमाने के लिए। और ये बांध के पास ही सटा हुआ है मंदिर है। गाँव का नाम बेलगांव। चला जाएगा यही लीक सीधे पकड़े हुए चले जाएगा तो बागमती नदी मिलेगा इधर सीधे सामने, और ये सामने सीधे चला जाएगा मेरे नानी का घर आएगा। ये रहा मंदिर, चला जाए। ये पोखरा है, पोखरा में भी बहुत नहाए हैं बचपन में, और वहाँ पे शायद कर्मकांड हो रहा है आज। द्वास्ता है तो भोज भी मिलेगा, तो रात में कहीं मैं भोज खाने भी जाऊंगा गाइस। मजा मजा मजा। एक ही चीज से नहीं पाया है कोई बच, मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा है सच। यहाँ पे कोई मर गया तो उनका कर्म कांड हो रहा है। गाओ ना ए राजा, गाओ ना सनवा गया नामे हंसवा देगा तू। गाँव में देखने को मिलता है मस्त मस्त हरियाली, और शहर में उपजाने के लिए नहीं है जगह, खाली खाली खाली। कथी का गाछी है? बेल। कथी का है? बेल।
बेल का है। हाँ, गांव है बेल छाए। बेल का शरबत अच्छा लगता है, पर ये बेल अभी कच्चा लगता है। कि हो जाएगा भैया खेल अगर इस गांव का नाम बेल है और उसमें ना मिले बेल। लेना बहुत सारा पेशेंस चाहिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, हम मंच ले लिए हैं बच्चों को खिलाने। जो भी लड़का, कितना लड़का सब है? मंच सबको बांटना है, तुम्ही को बांटना है। ठीक है, बच्चों के लिए मंच लेके जा रहे हैं। इस तुमको तो पहले ही दो डेयरी मिल्क खिलाए हैं, नहीं खिलाए हैं? मस्त मछली तला रहा है, मौसी बना रही है, वीडियो बनाता है। केकरा तक आवे छे पूछो ना सत्यम। चलो शादी का वीडियो देखा जाए मामा का। चलो देखी पहले हमारे मुँह नानी मैं हमारे फोटो खींच मुँह से ना होला नानी मुँह से ना होला। कि काला गोरा क्या होता है, बस होती है रंगों की बात। सुकून भरा पल जी रहा हूँ मैं अपने नानी के साथ। एक दिन आए वो कि फिर से आज लगेगा सरसों का रगड़ा, कि फिर से आज लगेगा सरसों का रगड़ा, तभी बनेगा मछली बहुत ही तगड़ा। कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने को, और मेरी नानी बोल रही है मछली तला हुआ खाने को। कि जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें भुलाने में लोगों को लग जाते हैं जमाने, कि उन्हें भुलाने में लोगों को लग जाते हैं जमाने, आइए दो पीस तला हुआ मेरे साथ खाने। नानी कितना गौर से देखा था, एक आदमी को आता कहीं दारू पियो फिल्म देखो। हम लोग आ गए हैं भोज खाने, तो ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। पर ये पूरा देख के जाइएगा, ये था ब्लॉग का पार्ट वन, पर पार्ट टू में क्या होने वाला है अभी देख के जाइए। अभी हम लोग मतलब मैथिली ब्राह्मण कितना खाते हैं, कितना लोग आए थे खाने के लिए, और मैंने कितना खाया है ये भी देखने को मिलेगा आपको, और देखने को मिलेगा कि कैसे मैं इतना खा के पचा लेता हूँ। और आगे मामा का शादी का वीडियो, मतलब बहुत सारी चीज़ें देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए ना आगे क्या क्या होने वाला है। ये मैं हूँ, लेकिन ये 2 साल पहले का वीडियो, और ये नाना नानी लोग बैठ के देख रहे हैं हम लोग। पार्ट टू कब आएगा कर रहे हैं आप सवाल, तो पार्ट टू आएगा जल्दी। पार्ट टू में होने वाला है बहुत सारा धमाल, तो उसे एडिट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पार्ट टू देखना मत भूलिएगा। पार्ट टू में बहुत ही ज़्यादा फन है, और हम कौन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।